तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ आ गए हैं जंगल झाड़ में। यहाँ पर पूरा भयानक झाड़ियाँ हैं और आगे थोड़ा सा लोकेशन देखना चाहते हैं, उसके बाद लौट जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं द्वारसिनी। तो द्वारसिनी मंदिर आके पूजा वूजा हो गया मेरा कंप्लीट। तो उससे जस्ट थोड़ा नीचे कुछ खास लोकेशन है, यहाँ पर आए हैं। तो इधर नीचे भी वहाँ का पानी जाता है, तो वहीं हम देखने जा रहे हैं कि नीचे पानी कैसा है नहीं है, ताकि घूमने भी आ सकें फिर कभी। बाकी यहाँ का लोकेशन बहुत मस्त है, तो बैक कैमरा से दिखाते हैं सिनेमैटिक। तो गाइस, ये है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन, मेरे घर तरफ का सबसे खूबसूरत जगह। तो इसके नीचे जस्ट घाटी है और जस्ट ऊपर है द्वारसिनी मंदिर। तो यहीं आए थे आज पूजा करने, तो सोचे थोड़ा सा वादियों का मजा ले लें, क्योंकि बरसात का समय आ गया है, तो हरा भरा मौसम और वादियां भी कितना खूबसूरत है। तो हम फर्स्ट में गए थे द्वारसिनी मंदिर, वहाँ पर नहाए। वहाँ पर भी झरना चलता है छोटा मोटा, तो वहाँ पर नहाए, उसके बाद पूजा किए ऊपर जाके। आज भीड़ भी नहीं था तो मज़ा आया। अरे अकेले आए हैं तो कोई टेंशन नहीं हमको, क्योंकि अकेले भी आने से हमको मंदिर जगह आने से बहुत मज़ा आता है, दिल को सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा। और आज मौसम काफ़ी खूबसूरत है, तो आए हैं आज थोड़ा एडवेंचर भी करने, क्योंकि पूजा हो गया है। तो जहाँ पर नहाते हैं मंदिर के जस्ट नीचे, तो वहाँ पर एक झरना है, तो उसका पानी कितना नीचे जाता है, तो थोड़ा बहुत जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाके हम दिखाएंगे कि यहाँ पर पानी कैसा रहता है नहीं रहता है, और बाकी यहाँ पर का कुछ सिनेमेटिक शॉट्स भी दिखाएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, बहुत बकवास हो चुका है, तो फाइनली डायरेक्ट जाते हैं हम नदी के पास, तो दिखाते हैं आपको नदी का नीचे का कुछ लोकेशन। फिलहाल मेरा गाड़ी वहाँ पर खड़ा है, दिख रहा होगा तो ऊंचा में। तो यहाँ पर जगह देखिए, थोड़ा सा गड्ढा है, तो हम नीचे जाते हैं। ऐसे यहाँ से पानी दिख रहा है हमको, लेकिन थोड़ा सामने जाके देखते हैं कैसा जगह है। बाकी पानी तो काफी खूबसूरत है, तो हम जाते हैं थोड़ा सा नीचे 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 नीचे। और मौसम डर लग रहा थोड़ा सा, क्योंकि झाड़ी वोड़े है, तो सांपों का भी डर हो सकता है। झूठ बोलो। और ऊपर से अकेले आए हैं, कोई बात नहीं, महादेव भोलेनाथ हमारे साथ हैं। तो खैर नीचे आ चुके हैं फिलहाल, तो दिखाते हैं यहाँ कुछ मस्त सीन। क्या बोला तूने? पानी पूरा साफ है। उतना बड़ा भी नदी नहीं है, लेकिन खूबसूरत है छोटा मोटा। तो देखिए कितना मस्त जगह है, पेड़ उड़ है, पानी साफ है, तो इसको पी भी सकते हैं। बाकी इसके ऊपर ही नहाता है लोग, तो वही पानी बह के आ रहा है, लेकिन बहता पानी शुद्ध होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। थोड़ा और आगे जाते हैं, क्या क्या है। तो इसके जस्ट ऊपर जो टॉप दिख रहा है, उसके थोड़ा सा नीचे, मतलब उतना टॉप में नहीं, उससे थोड़ा नीचे है मंदिर, तो वहीं पूजा किए थे। हमको आगे नहीं जाना है, पूरा दिखाते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अभी जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। सुने हैं थोड़ा सा और मस्त जगह नीचे, यहाँ पर पानी तो उतना नहीं है। और बाकी नीचे तो उतर गए हैं, थोड़ा सा पानी का मजा भी ले लेते हैं हल्का हल्का, पानी से बहुत प्यार है हमको इसमें। अरे बाबा गिर गया, भींग गया पॉइंट। इसमें जीव जंतु दिखाते हैं, कुछ कुछ दिखेगा अगर, तो भाग रहे इधर उधर, सब भाग गया। तो नीचे पहली बार उतरे हैं हम,
तो नीचे भी अच्छा ही है जगह, थोड़ा सा आवाज तो आ रहा है झरने से। देखते हैं नीचे क्या सीन है, बाकी कितना मस्त लोकेशन है। पेड़ भी मस्त जगह लग रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा पानी रखता और मजा आता। वाओ मस्त जगह है, देख सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। अभी तो बरसात पूरा अच्छा से आया भी नहीं है, तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं, पानी कम है थोड़ा। नीचे तो लग रहा और मस्त मस्त जगह होगा, लेकिन अकेले जाने में डर लग रहा है। तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ आ गए हैं जंगल झाड़ में, यहाँ पर पूरा भयानक झाड़ियाँ हैं। और आगे थोड़ा सा लोकेशन देखना चाहते हैं, उसके बाद लौट जाएंगे। गाइस देख सकते हैं काफ़ी एडवेंचर लग जगह है, अकेले आए हैं थोड़ा मोड़ा डर लग रहा है। बाकी यहाँ से भी लोकेशन बहुत मस्त है, खुली आंखों से देखिएगा तो अच्छा लगेगा, कैमरा में तो उतना पता भी नहीं चलता है। बाकी हरा भरा, कितना कितना हरा भरा दिख रहा है, देख सकते हैं काफी खूबसूरत। तो अब बहुत हो गया मेरा आज का एडवेंचर, तो थोड़ा अब रोड में भी एडवेंचर गिरी करते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर का हमारा रोड दिखाते हैं कि हमारा पतरातू घाटी का रोड कितना मस्त है। घाटी तक नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा टर्निंग तक जाते हैं, कुछ कुछ लोकेशन है मस्त, तो उसका सिनेमैटिक शॉट लेंगे। और सब्सक्राइब मेरे चैनल कीजिए, अच्छा लगे तो भी, ना लगे तो भी, जोक से बात। कुछ मोटिवेशन दीजिए तो हम भी कुछ अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं, अच्छा जगह लोकेशन जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कीजिए। और आपको ले जाते हैं अब डायरेक्ट थोड़ा और मस्त लोकेशन में, वहाँ पानी तो नहीं लेकिन वादियों का सीन बहुत मस्त है। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हम चढ़ाई यहाँ चढ़ रहे हैं, यहीं से उतरे थे, अब देखते हैं। बाप रे, चलो खैर उतना चढ़ाने था, चढ़ गए तो थोड़ा दौड़ के जाते हैं, मेरी गाड़ी पास ही है। आइए थे लोकेशन के नीचे झरना पानी जो भी बोलते हैं, तो गाड़ी के पास पहुँचते हैं। उधर खेत देख सकते हो, उधर खेत में भी ज़्यादा पानी नहीं है, तो अभी नदी में भी ठीक ठाक पानी है। और ज़्यादा पानी आता बरसात वाला तो यहाँ बहुत ज़्यादा मस्त भरा भरा नदी दिखता, तो कभी भी मौका मिलेगा भरा भरा नदी रहेगा तो दिखाएंगे जरूर। थक गए, अभी स्टार्ट करते मेरी गाड़ी, मेन लोकेशन पर चलते हैं। यहाँ से हल्का नेतरहाट वाला फीलिंग मिलता है, क्योंकि सूरज भी यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर में डूबता है, पहाड़ों में छुपता नहीं है। यहाँ पर भी मस्त मस्त सीन दिखता है, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं फोटो खिंचाने, दिखाते हैं यहाँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स।
फाइनली वही लोकेशन, लेकिन थोड़ा साइड का है तो थोड़ा यहाँ से व्यू काफ़ी मस्त आएगा, तो यहीं पर थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा दबा के, है ना।